तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने क्या क्या देखा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखा कि इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मल सेल, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मल सेल, डाइकॉट के स्टेम में, मोनोकॉट के स्टेम में सिर्फ ये दो ही पार्ट में डिफरेंशिएट हो पाया, किसमें किसमें, हाइपोडर्मल सेल और जनरल कॉर्टेक्स में। अब हम लोग आते हैं एंडोडर्मल सेल के अंदर पेरिसाइकिल दिख रहा है ना। तो ग्राउंड टिश्यू को हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड टिश्यू को हम लोग फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम नाम दे दिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को, क्योंकि बेसिक पोर्शन देखो अगर प्लांट का, तो सबसे मेजर पोर्शन क्या है, हम लोग एक टर्म यूज किए थे, मेजर बल्क ऑफ द प्लांट इज जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब आ जाओ, इसी का आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का आउटर पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स है, और सेंट्रल पोर्शन कौन है, पिथ है। तो कहते हैं सेंट्रल पोर्शन इज पिथ, मीनिंग बाय ये पूरा पोर्शन टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। ये यहां से स्टार्ट करेंगे और अंदर तक पहुंचेंगे, वैस्कुलर टिश्यू को छोड़ देंगे, तो इन पूरे को ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट मानेंगे। तो आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन पिथ। फिर हम लोग आते हैं, लेकिन पत्ते में, लीफ में ग्राउंड टिश्यू का नाम बदल गया, ग्राउंड टिश्यू को पत्ते में, लीफ में कहा गया मीजोफिल टिश्यू। ऐसा नाम क्यों दिया गया, अब ये देखो मीजोफिल का मतलब क्या हुआ, मीजो मतलब होता है मिडिल और फिल मतलब होता है पत्ता। पत्ते में एक अपर सरफेस होता है, एक लोअर सरफेस होता है, और इसी के बीच में बाकी सारे सेल्स होते हैं, है ना। इसीलिए इस मिडिल पोर्शन का नाम दिया गया, यही पत्ते का ग्राउंड टिश्यू है, इसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, है ना, और इसको बोल देंगे लोअर एपिडर्मिस, और इस बीच वाले टिश्यू को बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू। तो पत्ते के ग्राउंड टिश्यू को हम लोग नाम क्या दे दिए, मीजोफिल। मीजो मतलब मिडिल, बीच में है लीफ, फील मतलब लीफ। अब हम लोग जब पूरे जनरल कॉर्टेक्स को देखना शुरू किए, तो जब ग्राउंड टिश्यू कन्वर्ट हुआ इनटू कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स का काम देखना शुरू किए, है ना। कॉर्टेक्स मेनली क्या काम कर रहा था, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा का बना है, इसीलिए ये फूड स्टोर कर रहा है। पेरेन्काइमा का नेचर क्या होता है, फूड स्टोर करना। और पत्ते में हम लोग क्या बताए थे, एपिडर्मिस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये मीजोफिल टिश्यू में मिलने वाले सारे टिश्यू में क्या मिल रहा था, क्लोरोफिल मिल रहा था। मतलब इन केस ऑफ लीफ ग्राउंड टिश्यू का काम क्या हो गया, फूड का मैन्युफैक्चरिंग करना। तो देखो लोकेशन के बेसिस पे ग्राउंड टिश्यू का काम अलग अलग हो गया। अगर फंक्शन पूछता है द मेन फंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यू, तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, क्वेश्चन दे दिया फंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यू, तो स्टेम भी नहीं लिखा, लीफ भी नहीं लिखा, तो तुमको दोनों बातें देखनी होगी। स्टेम में मेन काम होगा इसका फूड को स्टोर करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना, जबकि लीफ में इसका मेन काम क्या हो जाएगा, लीफ की बात करेंगे तो लीफ में इसका मेन काम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि लीफ में ग्राउंड टिश्यू को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लीफ में ग्राउंड टिश्यू को हम लोग जनरली मीजोफिल के नाम से जानते हैं। मीजो शब्द का मतलब होता है मिडिल, फील का मतलब होता है लीफ, तो जनरली इसको हम लोग मीजोफिल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो ये तुम्हारा हम लोग क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, है ना। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम लोगों ने दो टिश्यू सिस्टम देखा, पहले देखे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और अभी हम लोग देखे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब हम लोग आते हैं पेरिसाइकिल के बारे में। एक डाइकॉट के स्टेम में पेरिसाइकिल दिख रहा था, लेकिन जब पेरिसाइकिल के नेचर को डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में देखा गया, तो ये दो कैरेक्टर को शो कर रहा था। पहला, कहीं पे तो ये सिंगल लेयर का बना हुआ था, तो पेरिसाइकिल थिन वॉल और पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हो सकता है, लेकिन कई जगह पे ये पैचेस में बना हुआ था, कुछ पोर्शन पेरेन्काइमा का और कुछ पोर्शन स्केन्काइमा का बना हुआ था, ऐसे ये पैचेस में भी दिख सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पेरिसाइकिल मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, इट मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर बट मेड अप ऑफ पैचेस ऑफ पेरेन्काइमा एंड स्केन्काइमा। और फिर हम लोग कहते हैं कभी कभी पेरिसाइकिल एक से ज्यादा लेयर का भी बना हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग आते हैं डाइकॉट के स्टेम और मोनोकॉट के स्टेम को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब हम लोग अब जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम।
उसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हो जाएगा एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ। तो आज हम लोग स्टेम से शुरू करते हैं, फिर हम लोग रूट पढ़ेंगे, फिर हम लोग लीफ पढ़ेंगे। और अभी जो एक पोर्शन हमको बताना बाकी रहता वो था डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनिंग, है ना। वेसल्स जब हम लोग पढ़ा रहे थे उसमें हमको थिकनिंग बताना था, डिफरेंट टाइप का थिकनिंग। हालांकि ये क्वेश्चन आज के डेट में मेडिकल में नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उस थिकनिंग के टाइप को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस थिकनिंग के टाइप को भी समझेंगे। तो अभी हम लोग अब शुरू करते हैं। ये हम लोगों का ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिपीट करते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मल सेल, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मल सेल। किसमें? इन डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में ये दो ही पार्ट में पार्टिसिपेट हुआ या डिफरेंशिएट हुआ, इनटू हाइपोडर्मल सेल एंड जनरल कॉर्टेक्स। यहाँ पे जनरल कॉर्टेक्स किसमें? मोनोकॉट स्ट्रेन में एक एंड से शुरू हुआ और दूसरे एंड तक एक्सटेंड कर गया। इसमें क्या मिला? एक्सटेंशन मिला, एक एंड से शुरू हुआ और दूसरे एंड तक ये पहुंच गया। तीसरी पॉइंट पे हम लोग आ रहे थे, मोनोकॉट के स्ट्रेन में एंडोडर्मल सेल और पेरिसाइकिल नहीं दिख रहा था। क्यों? ये क्वेश्चन है मेडिकल का। तो उसका आंसर क्या दिया था, वैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट था ना वो स्कैटर्ड हो चुका था, वो फैल गया था, चारों तरफ स्कैटर्ड था। तो ओइंग टू द स्कैटर अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल व्हाट इज नॉट प्रेजेंट, एंडोडर्मल सेल एंड पेरिसाइकिल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर आ रहे हैं वैस्कुलर बंडल को देखना शुरू किए। एक रूट में और स्टेम में हमने अभी वैस्कुलर बंडल में अंतर दिखाया, ये कंजॉइंट कहलाता है, दोनों एक ही रेडियस पे है ना। दूसरा, रूट में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे था, हमने टर्म यूज किया था रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये तीन टिश्यू सिस्टम हमने देखा। फाइनली हम लोग वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के और दो पार्ट को देखेंगे, है ना। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की जब बात करेंगे तो और इसमें दो पार्ट होगा, कंजॉइंट कोलैटरल, है ना। अभी हम लोग इसको और डिटेल्स में बताना शुरू करेंगे। तो जो ही स्टेम को हम लोग डिस्कस करेंगे, वैस्कुलर बंडल के बारे में और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी हमारा समाप्त हो जाएगा और हम लोग पूरी बात को समझेंगे। अब जो दो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, ये एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट है, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम है। और हमने जो पढ़ा वो तीन टिश्यू सिस्टम पढ़ा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में अभी दो पार्ट और बचा हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे बना के छोड़ दे रहे हैं और इसको हम लोग फिर बाद में बताएंगे, है ना। तो तब ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल एनाटॉमी के साथ साथ हम लोग टिश्यू सिस्टम के साथ साथ एनाटॉमी को देखना शुरू किए। सबसे पहले एक डाइकॉट के स्टेम को और एक मोनोकॉट के स्टेम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। डाइकॉट के स्टेम को स्टडी करने के लिए हम लोगों के पास जो सबसे अच्छा प्लांट होता है वो सनफ्लावर का प्लांट होता है। सनफ्लावर के स्टेम को काटते हैं और छोटे से स्टेम के टुकड़े को रखते हैं, अपनी उंगलियों में ऐसे होल्ड करते हैं, ब्लेड को अपनी तरफ पकड़ते हैं और पतला पतला स्लाइस बनाते हैं। उनमें से जो यूनिफॉर्म स्लाइस होता है उसको स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बाहर की तरफ लेयर मिलता है, इस पहले लेयर का नाम है एपिडर्मिस। डाइकॉट स्टेम हो या मोनोकॉट स्टेम हो, एपिडर्मल टिश्यू कैसा होगा, क्लोजली फिटेड था, जो हम लोग टिश्यू सिस्टम की बात किए थे, पेरेन्काइमेटस इन नेचर था, है ना। और प्रोटेक्शन ऑफ हीट से और लाइट से बचने के लिए इसके इनर वॉल पे क्यूटिकल का लेयर दिखा रहे थे, है ना। ये क्यूटिकल का या वैक्सी लेयर का डिपोजिशन हो गया था जो इसको सन के लाइट से प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके अलावे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम लोग कह रहे थे कि कुछ हेयरी अपेंडेजेस निकल रहा था। ये जो हेयरी स्ट्रक्चर निकल रहा था इसको हम लोग एक नाम दिए, ट्राइकोम। क्या नाम दे दिए इसका हम लोग, ट्राइकोम। तो ये जो नाम दिए हम लोग, इसका नाम था ट्राइकोम। अब हम लोग आते हैं, तो बाहर वाले लेयर का नाम रखे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस डाइकॉट या मोनोकॉट स्टेम दोनों में बिल्कुल एक सा दिख रहा है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ, क्लोजली फिटेड, यूजुअली एक ही लेयर का बना हुआ। और जो हेयरी स्ट्रक्चर था जिसको ट्राइकोम कह रहे थे, यह मल्टी सेलुलर था। पर्पस क्या था, इसके बॉडी से कम ट्रांसपिरेशन हो पाए। अब हम लोग आते हैं दूसरे सेल में। दूसरे सेल का नाम है हाइपोडर्मल सेल या हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस
जनरली थ्री और फाइव लेयर होता है, हम लोग यहाँ पे एक ही लेयर दिखाया है, लेकिन ये जनरली कैसा होगा, थ्री टू फाइव लेयर होगा। हाइपोडर्मल सेल किसका बना होगा, तो डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डाइकॉट के केस में तो ये कोलेन काइमा का बना है, लेकिन मोनोकॉट के केस में ये स्क्रेन काइमा का बना हुआ। ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, समझना। हमने इसका रीजन भी बताया था, क्योंकि डायकॉट अपने आप में एक स्ट्रांग प्लांट होता है, इसके कॉर्नर्स में थिकनिंग से इसका काम चल जाता है, इसीलिए हाइपोडर्मल सेल्स में हाइपोडर्मल सेल किसका बना हुआ है, कोलेन काइमा का बना हुआ, इसके सिर्फ कॉर्नर्स में थिकनिंग है। लेकिन मोनोकॉट का प्लांट पतला दुबला होता है, इसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पे हाइपोडर्मल सेल किसका बना हुआ है, ये स्क्रेन काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है जो फाइब्रस होता है, है ना। फिर हम लोग आते हैं, इसके बाद कई लेयर का कॉर्टेक्स मिलता है। अब इस कॉर्टेक्स के लेयर को कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स, और हम लोग कहते हैं डाइकॉट के स्टेम और मोनोकॉट के स्टेम को ध्यान से देखो डायग्राम में। डाइकॉट के स्टेम में कॉर्टेक्स के कई लेयर के बाद एक इनर मोस्ट लेयर भी मिलता है, वो भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट था, इसका नाम था एंडोडर्मल सेल। क्या नाम था इसका? एंडोडर्मल सेल। जब हम लोग एंडोडर्मल सेल की बात कहेंगे तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, पहला पॉइंट, एंडोडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट स्कैटर्ड होने की वजह से ये नहीं दिख रहा है। किस चीज के अरेंजमेंट के चलते? वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट के चलते, चूंकि ये अरेंज हो गया, स्कैटर्ड हो गया है, ये नहीं दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं जनरल कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मल सेल के बारे में, एंडोडर्मल सेल कहां मिला और कहां नहीं मिला, तो हमारा आंसर क्या होगा, डाइकॉट के स्टेम में मिला, मोनोकॉट के स्टेम में ये नहीं मिला। फिर दूसरा आंसर, अगर हम लोग रूट की बात करें तो रूट में हम लोग एंडोडर्मल सेल कैसे बनाएंगे, हम लोग बताए थे, एक डायग्राम हम लोग बना रहे हैं कि रूट में एंडोडर्मल सेल बहुत ज्यादा वेल डेवलप होता है स्टेम के कंपैरिजन में, और इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप बैरल शेप दिखा रहे हैं, है ना। ये शेप वाइज कैसा था, बैरल शेप था। अब एंडोडर्मल सेल के बारे में हम लोग जो पॉइंट्स बता रहे थे उनको हम लोग फिर से डिस्कशन कर रहे हैं, और ये रूट में हम लोग कहेंगे ज्यादा डेवलप होगा, और ये जो सेवन कैरेक्टर बताएंगे रूट में उसको रिपीट हम लोग करेंगे। तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि एंडोडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट डाइकॉट के स्टेम में, बट मोनोकॉट के स्टेम में कहेंगे एंडोडर्मल सेल्स आर नॉट प्रेजेंट। अब हम लोग तीसरी बात पे आएंगे, एंडोडर्मल सेल कैसा है, तो पहला पॉइंट बोले ये बैरल शेप्ड है, कैसा है, देखने में बैरल शेप्ड है। दूसरी बात बताएंगे ये आपस में क्लोजली फिटेड है, तो कैसा है, ये क्लोजली फिटेड सेल है। तीसरी बात बताएंगे इसके इनर और रेडियल वॉल पे दिखा रहे हैं थिकनिंग है, किसकी, सुबेरीन नामक केमिकल कंपाउंड का डिपोजिशन हो गया है, है ना। और फिर हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कुछ स्टार्च का कंटेंट है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया स्टार्च शीट। क्या बोला गया इसको, स्टार्च शीट का नाम दे दिया गया। तो एंडोडर्मल सेल के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स जान रहे हैं। एंडोडर्मल सेल के अंदर अब आते हैं पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बारे में फिर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब इस सेंट्रल पोर्शन को हम लोग स्टीली नाम दे दिए, पेरिसाइकिल स्टीली का पार्ट है, है ना। स्टीली में पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पिथ रे और पिथ, ये सारे पोर्शन को मिला के, सेंट्रल पोर्शन को मिला के क्या नाम दिए, स्टीली। तो इस सेंट्रल पोर्शन का नाम हो गया स्टीली। अब हम लोग जरा सा देखो ये स्टीली कहां नहीं दिख रहा है, यहां पे मोनोकॉट के स्टेम में ये डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा, फिर रीजन वही है, यहां पे स्कैटर अरेंजमेंट हो गया है, किसका, वैस्कुलर बंडल का। अब हम लोग आते हैं वैस्कुलर बंडल के बारे में देखना शुरू करते हैं और पेरिसाइकिल को समझते हैं। अब ध्यान से देखो, पेरिसाइकिल के बारे में कह रहे थे ये पैचेस में बना हो सकता है, टुकड़े में बना हो सकता है, और ये पैच जो होता है ना, ये हो सकता है स्क्रेन काइमा और कोलेन काइमा, स्क्रेन काइमा और कोलेन काइमा या पेरेन काइमा का पैचेस हो सकता है। और जो पोर्शन फ्लोएम के ऊपर दिख रहा है ये हमेशा स्क्रेन काइमा का बना होता है, इसको एक नया नाम हार्ड बास्ट दे दिया गया। तो पेरिसाइकिल का वो पोर्शन जो फ्लोएम के ऊपर है वो हमेशा स्क्रेन काइमा का बना हुआ है डाइकॉट के स्टेम में, और हम लोग इसका नाम क्या रखे, हार्ड। चूंकि स्क्रेन काइमा नेचर में फाइब्रस होता है, फाइबर का बना होता है, फाइबर हार्ड होता है, चूंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और
फ्लोएम को हम लोग जाइलम को ऊड और फ्लोएम को बास्ट कहते थे, इसीलिए फ्लोएम के ऊपर ये लोकेटेड है, हम लोग इसका नाम रख दिए हार्ड बास्ट। इतने पोर्शन का नाम क्या रखें, तो पेरिसाइकिल के उस पोर्शन को हार्ड बास्ट का नाम दिए जो इसके ऊपर लोकेटेड है। फिर हम लोग आते हैं, अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो यहां पे हम लोग देख रहे थे वैस्कुलर बंडल, है ना, तो पेरिसाइकिल हम लोग डिस्कस किए। हम लोग क्या कहे, डाइकॉट के स्टेम में एंडोडर्मल सेल और पेरिसाइकिल तो मिलता है, लेकिन मोनोकॉट के स्टेम में ये भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है, स्कैटर्ड अरेंजमेंट हो चुका है, वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट स्कैटर्ड हो चुका है, इसलिए ये नहीं मिल रहा है। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट ये बता रहे थे हम लोग कि अब जरा वैस्कुलर बंडल को ऑब्जर्व करते हैं, तो डायकॉट और मोनोकॉट के वैस्कुलर बंडल में शार्प डिफरेंस दिख रहा है। कैसा डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल शार्प अंतर दिख रहा है। अब इस अंतर को हम लोग बोर्ड में लिखते भी हैं और समझते भी हैं। अब हम लोग डायकॉट और मोनोकॉट के स्टेम को पूरी तरह डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन का पूरा आंसर हमको जानना चाहिए, है ना। और कैसे जान रहे हैं, बार बार हम लोग कंसंट्रेट करें इस डायग्राम पे। जो डायग्राम हम बना रहे हैं वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाना चाहिए। करना क्या है, घर पे बैठ के इस डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करना है, है ना। और ओवरऑल अगर 8 डायग्राम, 2 रूट का, 2 स्टेम का, 4, 2 लीफ का, 6, अगर ये 6 डायग्राम तुम्हारे दिमाग में है तो एनाटॉमी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बार बार हम इसको समझा रहे हैं। और बार बार इस वीडियो को देखो और इसको रिकॉल करो, और क्या करना है, और तुमको डायग्राम खुद बनाना है। जितनी बार बनाओगे और फिर वीडियो के लेक्चर से इसको मिलाओगे, कंपेयर करोगे, जहां एरर आएगा वो तुम फिर से सोचना। सबसे पहले हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग अब यहां पे पहुंच चुके हैं वैस्कुलर बंडल के पास। जब हम लोग वैस्कुलर बंडल के पास पहुंच चुके हैं तो हम लोग कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं वैस्कुलर बंडल को और पिथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहला ये जो वैस्कुलर बंडल डायकॉट का दिखा रहे हैं ना, इसको कहते हैं वेज शेप्ड। क्या शेप का नाम दिए, वेज शेप। अब वेज शेप पहले हम समझाते हैं कि वेज शेप क्या होता है। कभी कभी घर में कोई अलमारी वगैरह नीचे से लूज हो जाती है, तो लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा जो धीरे धीरे मोटा होता है और आगे की ओर नुकीला होता है, ऐसे लकड़ी के टुकड़े को उसमें लगाते हैं, वो जो शेप होता है एक तरफ नुकीला और दूसरी तरफ बड़ा हो जाता है, इसी को कहते हैं वेज शेप। तो यहाँ पे इस डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन संभव नहीं हो पाता है, हम लोग डायग्राम ऑलमोस्ट ओवल बनाते हैं, लेकिन रियल मानों में इसका शेप कैसा है, ये वेज शेप है। तो डायकॉट के स्टेम में हम लोग कंपेयर करना शुरू किए, डायकॉट के स्टेम में एपिडर्मल टिश्यू और मोनोकॉट के स्टेम में भी एपिडर्मल टिश्यू मिला, ये कॉमन पॉइंट था। सेकेंड, 3 या 4 लेयर का या 5 लेयर का जो हाइपोडर्मल सेल मिल रहा था, यहां पर डिफ्रेंसिएशन मिलना शुरू हो गया। क्या डिफ्रेंसिएशन मिला, हाइपोडर्मल सेल कोलेन कायमा का बना हुआ था जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे थिकनिंग पाई जा रही थी, और थिकनिंग किसके चलती थी, ये हमको याद हो चुका है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, प्रोटोपेक्टिन और पेक्टिन मटेरियल के चलते ये थिकनिंग थी, तो कॉर्नर्स ठीक था। लेकिन जब हम लोग मोनोकॉट के स्टेम के कोलेन कायमा को देख, हाइपोडर्मल सेल को देख रहे थे, तो क्या कहे, ये स्क्रेन कायमेटस टिश्यू का बना हुआ है। किस टिश्यू का बना हुआ है, ये स्क्रेन कायमेटस टिश्यू का बना हुआ है। और जब हम लोग स्क्रेन कायमा की बात की तो तुमको याद आ गया, या तो फाइबर होगा या स्टोन सेल होगा, या जब फाइबर की बात करेंगे तो ये भी पता चल गया ये डेड सेल था और लिग्निन का डिपोजिशन था और हार्ड था, तो ये सपोर्ट के लिए ज्यादा अच्छा टिश्यू है, और मोनोकॉट का प्लांट कमजोर होता है, इसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। अब हम लोग अंदर की ओर आते हैं, अंदर के पूरे सेल को जनरल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। यहां जनरल कॉर्टेक्स कुछ लेयर का था और जिसके इनर मोस्ट सेल का नाम एंडोडर्मल सेल रखा गया, तो डायकॉट में एंडोडर्मल सेल मिला, मतलब कॉर्टेक्स इज बीइंग डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोडर्मल सेल, और उसके अंदर जो लेयर मिला उसका नाम रखे पेरिसाइकिल। ऐसा एंडोडर्मल सेल और पेरिसाइकिल यहां पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो जब हम लोग इसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो ये पॉइंट लिखते हैं, हाइपोडर्मल सेल डायकॉट में कोलेन कायमा का बना हुआ है और मोनोकॉट में स्क्रेन कायमा का बना हुआ है। दूसरी बात, फिर हम लोग आते हैं एंडोडर्मल सेल के बारे में, हम लोग बताना शुरू कर रहे हैं कि जनरल कॉर्टेक्स जो होता है वो एंडोडर्मल सेल में डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन जो ही हम लोग आते हैं मोनोकॉट के स्टेम में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल नहीं मिलता है, एब्सेंट हो जाता है। तो एंडोडर्मल सेल एंड पेरिसाइकिल्स आर प्रेजेंट इन डायकॉट स्टेम। फिर हम लोग आते हैं
थर्ड पॉइंट को देख रहे हैं यहां पे, वैस्कुलर बंडल कैसा है, वैस्कुलर बंडल को समझना है। वैस्कुलर बंडल कह रहे हैं इस बंडल को, जाइलम और फ्लोएम को मिला के कहते हैं वैस्कुलर बंडल। किसको कहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर आर कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल। इस वैस्कुलर बंडल में जो डायकॉट का है, एक छोटा वाला जाइलम है जिसका नाम है प्रोटोजाइलम। जो ही हम सेंटर से दूर जा रहे हैं डायमीटर बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए डायमीटर वाले जाइलम का नाम है मेटाजाइलम। जाइलम और इस तरफ जो दिखा रही है फ्लोएम, इन दोनों के बीच में एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जिसका नाम है कैम्बियम। तो क्या क्या सेल मिला? एक वैस्कुलर बंडल के अंदर में प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, कैम्बियम और फ्लोएम में भी दो तरह का फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम मिल रहा है। लेकिन इसके अरेंजमेंट को जरा सा देखो, वैस्कुलर बंडल के अंदर ही दोनों मिल रहा है, मतलब दो भाई है जाइलम और फ्लोएम, दोनों अभी एक ही मकान में ज्वाइंट फैमिली में रहता है, नाम रख दिए कंजॉइंट। क्या नाम रखे? तो वैस्कुलर बंडल कैसा है? दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, एक ही जगह पे दोनों रहता है, नाम क्या रखे हैं? कंजॉइंट। तो या तो डायकॉट हो या मोनोकॉट हो, दोनों में ही वैस्कुलर बंडल एक ही मकान में जाइलम और फ्लोएम दोनों रह रहा है, तो दे आर कॉल्ड एज कंजॉइंट। दोनों आसपास है, लैटरली अरेंज्ड है, देखो यहां और यहां, ये लैटरली अरेंज्ड है, यहां भी देखेंगे तो ये लैटरली अरेंज्ड है, इसीलिए कहेंगे को, मतलब साथ साथ, लैटरल इन अरेंजमेंट। तो दूसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं कंजॉइंट के बाद को लैटरल, को मीन्स टुगेदर, साथ साथ, लैटरल इन पोजिशन। तो टर्म क्या हो गया? कंजॉइंट को लैटरल। तो ये दूसरा टर्म क्लियर हो गया। कंजॉइंट क्या हुआ? जाइलम और फ्लोएम का एक ही साथ रहना, एक ही बंडल के अंदर रहना क्या कहलाता है? कंजॉइंट। और दोनों का आस पास रहना, लैटरली रहना क्या कहलाता है? कोलैटरल। अब अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है। अगर कैम्बियम होगा तो बाद में कैम्बियम रिंग बनेगा, कैम्बियम रिंग बनेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम ये ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। जिसमें भी कैम्बियम दिख रहा है मतलब इसका फ्यूचर पता चल चुका है, इसके फ्यूचर में सेकेंडरी ग्रोथ होगा। क्या होगा? इसके फ्यूचर में बिल्कुल क्लियर कट सेकेंडरी ग्रोथ हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसीलिए क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंडरी ग्रोथ विल बी ऑब्जर्व इन डायकॉट स्टेम। क्यों? बिकॉज कैम्बियम इज प्रेजेंट, और कैम्बियम इज प्रेजेंट मतलब दिस प्लांट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इसीलिए कैम्बियम के मिलने को कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। और जब कैम्बियम नहीं मिलता है तो कहते हैं क्लोज, जैसे इस डायग्राम में बना रहे हैं कोई कैम्बियम नहीं दिखा रहे हैं, तो जब कैम्बियम नहीं दिखा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज वैस्कुलर बंडल। तो यहां पे दो बात हो गई, वैस्कुलर बंडल कैसा दिख रहा है? क्लोज दिख रहा है। क्यों क्लोज दिख रहा है? क्योंकि कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम क्या है? एब्सेंट है। तो जब कैम्बियम नहीं है इसको कह देंगे क्लोज, और जब कैम्बियम है तो इसको कह देंगे ओपन। तो अब तक हम लोग दो कॉमन पॉइंट और एक डिफरेंस जान रहे हैं वैस्कुलर बंडल में। वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक साथ है कंजॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है। वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम लैटरली लोकेटेड है, कोलैटरल है, ये भी कॉमन पॉइंट है। लेकिन डायकॉट के स्टेम में एक कैम्बियम मिलता है, और कैम्बियम के मिलने से फ्यूचर में ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, तो दीज आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो डायकॉट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगा और कैम्बियम ओपन है, लेकिन मोनोकॉट के स्टेम में कैम्बियम नहीं मिल रहा है, इसीलिए अब ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्लोज हो चुका, अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए कभी भी देखना, राइस का पेड़ मोटा नहीं होता है, वीट का पेड़ मोटा नहीं होता है, ग्रासेस मोटा नहीं हो पाता, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, इसीलिए दे आर क्लोज। और क्लोज क्यों हुआ है बायोलॉजिकली टेक्निकली? तो क्या बोलेंगे? क्योंकि कैम्बियम नहीं मिल रहा था। कैम्बियम कैसा टिश्यू था? हम लोग पहले क्लास में डिस्कशन किए थे, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू था। कैसा टिश्यू था? लैटरली पोजिशन मेरिस्टमेटिक टिश्यू था। तो ये हम लोग कहे क्लोज वैस्कुलर बंडल इसका नाम रखे। अब हम लोग आते हैं जरा इसके शेप को देखते हैं। ये तो वेज शेप था, लेकिन ये वैस्कुलर बंडल कैसा था? ये सारे वैस्कुलर बंडल को देखो, हम लोग दिखाते हैं सर्कुलर वैस्कुलर बंडल है ना, हम लोग कह सकते हैं राउंडेड वैस्कुलर बंडल है। कैसा वैस्कुलर बंडल है? देयर सर्कुलर और राउंडेड वैस्कुलर बंडल। अब हम लोग आते हैं, फिर से ध्यान से देखना शुरू करो। ये वेज शेप्ड है, और ये अच्छे बच्चों की तरह एक रिंग में बैठ के खेल रहा है। बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, ये रिंग में बैठे हुए हैं, है ना, मतलब दे आर अरेंज्ड इन ए रिंग। वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? अच्छे बच्चों की तरह एक रिंग में गोल होके बैठ के खेल रहे हैं। लेकिन यहां कुछ बच्चे हैं,
जो स्कैटर्ड है पूरे फील्ड में गए, जिसको जहां मन हुआ वहां पहुंच गए, है ना। तो दे आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है किसके केस में, मोनोकॉट के स्टेम में। और जरा देखो डायकॉट के स्टेम में कैसा है, ये अरेंज है एक रिंग में। तो ये दो बहुत बेसिक डिफरेंस है। दोनों के शेप में भी अंतर आ रहा है। शेप में क्या अंतर आया, डायकॉट के स्टेम में इसका शेप बताए वेज शेप्ड, और इसमें शेप क्या बता रहे हैं, ये देखो सर्कुलर और राउंडेड है। दूसरी बात क्या दिखा रहे हैं, दूसरी बात दिखा रहे हैं ये तो एक रिंग में एंडोडर्मल सेल और पेरिसाइकिल से अटैच्ड रिंग में अरेंज्ड है। लेकिन फिर देखो हम लोग मोनोकॉट के स्टेम में क्या दिखा रहे हैं, ये पूरे मोनोकॉट के स्टेम के ग्राउंड टिश्यू में चारों तरफ फैला हुआ है। अब ये सोचो ये ग्राउंड टिश्यू और ये बच्चे हैं जो खेलने को उस ग्राउंड में पहुंचे हैं, तो बच्चे भी कैसे होंगे। एक ग्राउंड में पहले कुछ छोटे छोटे बच्चे पहुंचे है ना, तो हम लोग फिर एक डायग्राम बना रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, देखो ये छोटा छोटा वैस्कुलर बंडल और इससे भी छोटा बना दिए हैं, है ना। तो जब ये छोटा छोटा वैस्कुलर बंडल मतलब छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड में पहुंचे तो ये बीच में चले गए खेलने, तभी थोड़ी देर के बाद उनसे थोड़े बड़े वाले भैया लोग पहुंचे ग्राउंड में खेलने और बच्चों को डांटे, क्या बोले, जाओ जाओ किनारे की तरफ खेलो, जाओ भागो यहां से किनारे की तरफ खेलो, बीच में हम लोग खेलेंगे। तो ये बड़ा वाला वैस्कुलर बंडल कहां आ गया, बीच में आ गया और छोटे वाले को कहां कर दिया, किनारे की तरफ कर दिया। मतलब ये वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट था, क्या अरेंजमेंट था, स्मॉलर वैस्कुलर बंडल्स आर टुवर्ड्स पेरीफेरी, छोटा छोटा वैस्कुलर बंडल कहां है, पेरीफेरी की तरफ दिख रहा है, उससे थोड़ा बड़ा बड़ा वैस्कुलर बंडल ज्यों ज्यों अंदर आ रहे हैं बड़ा बड़ा वैस्कुलर बंडल दिख रहा है। और जब बीच में पहुंचे तो एक बड़ा सा भैया पहुंचा, कैसा पहुंचा, एक बड़ा सा भैया पहुंचा, अब ये बिगेस्ट कह सकते हैं सबसे बड़ा सा वैस्कुलर बंडल था। इसके आते ही क्या किया, ये बिल्कुल बीच में पहुंचा कि हम ही खेलेंगे बीच में, तुम लोग तो सबको ही बाहर चले जाओ। तो इसके बीच में आने से बाकी के बड़े बड़े वैस्कुलर बंडल जो इससे छोटे थे वो साइड में दिख रहे हैं, मतलब स्कैटर्ड हो गए, पूरे वैस्कुलर बंडल का साइज अलग अलग है, कोई छोटा है बच्चा, कोई उससे थोड़ा बड़ा है और कोई बहुत बड़ा है। लेकिन डायकॉट के स्टेम में क्या देखे, सारे वैस्कुलर बंडल का साइज बिल्कुल एक सा था, कैसा था, सारे वैस्कुलर बंडल का साइज बिल्कुल एक सा था। तो टर्म हम लोग क्या देखे, वैस्कुलर बंडल्स यहां पे देख रहे हैं डायकॉट में, कंजॉइंड दोनों एक साथ है, कोलैटरल दोनों लैटरली लोकेटेड है, और कैम्बियम प्रेजेंट मतलब ओपन, ओपन किस लिए, फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि कैम्बियम मिलेगा तभी ये बाद में रिंग बनाएगा, और जब ये कैम्बियम रिंग बनाएगा तभी सेकेंडरी ग्रोथ होगा। चूंकि मोनोकॉट के स्टेम में कैम्बियम नहीं है इसलिए कोई कैम्बियम रिंग नहीं बनेगा, चूंकि कैम्बियम रिंग नहीं बनेगा इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। फिर हम लोग आते हैं वैस्कुलर बंडल में, प्रोटोजाइलम कहां है, सेंटर की तरफ है ना, सेंटर की तरफ है, चाहे डायकॉट हो या मोनोकॉट हो, यहां जो प्रोटोजाइलम होगा ये सेंटर की तरफ होगा, यहां जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा। तो प्रोटोजाइलम इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये कॉमन पॉइंट है, एंडार्च वैस्कुलर बंडल मिलना, ये दोनों ही में क्या मिलेगा, एंडार्च वैस्कुलर बंडल मिलेगा। लेकिन फिर एक और डिफरेंस दिख रहा था, और उस डिफरेंस में मोनोकॉट के केस में वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक कवरिंग दिख रही थी, इस कवरिंग का नाम रखा गया बंडल शीथ, क्या नाम रखे इसका हम लोग, बंडल इसका नाम रखे बंडल शीथ। तो बंडल शीथ डायकॉट के स्टेम में नहीं दिख रहा है, डायकॉट के किसी भी वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मोनोकॉट के स्टेम में एक हम एक्स्ट्रा कवरिंग दिखा रहे हैं, जिस कवरिंग का नाम क्या रखा गया, बंडल शीथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बंडल शीथ का मिलना। और अब हम लोग दिखा रहे हैं बंडल शीथ कहां मिला और कहां नहीं मिला, तो कहेंगे मोनोकॉट के स्टेम में बंडल शीथ मिल रहा है, डायकॉट के स्टेम में ये बंडल शीथ वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये कवरिंग नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग आते हैं जरा यहां प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को देखो, ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम कैसा था, प्रोटोजाइलम जिसका डायमीटर छोटा था उसके नीचे जो भी सेल्स था ना, वो सेल्स की कैविटी, वो सेल्स टूट गया और टूटने के बाद एक कैविटी बना दिया, इस कैविटी का नाम रखे लाइसीजेनस कैविटी। अब देखो ये टर्म हम लोग बताते हैं ये कैविटी कैसे बनी, तो हम लोग क्या कह रहे थे,
छोटे वाले जाइलम को कहे प्रोटोजाइलम और बड़े डायमीटर वाले जाइलम का नाम क्या रख दिए, मेटाजाइलम। क्या क्या नाम रखे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अगर इस प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को एक लकीर से जोड़ो तो देखो इसका शेप कैसा हो रहा है, वाई के समान हो रहा है। तो कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम आर वाई शेप्ड। किसके केस में, हम लोग कहेंगे मोनोकॉट के में ये वाई शेप्ड है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। जब हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करेंगे तो डाइकॉट के स्टेम में ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों कहां, एक ही स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन जब हम लोग मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को जोड़ने से जो शेप दिख रहा है वो वाई शेप दिख रहा है। तो वाई शेप अरेंजमेंट ऑफ प्रोटो एंड मेटाजाइलम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ, क्या बोलेंगे, मोनोकॉट स्टेम। और एक स्ट्रेट लाइन किसमें दिख रहा है, इन डाइकॉट स्टेम, है ना। डाइकॉट स्टेम में ये प्रोटो है एक मेटा, दोनों को जोड़ो एक ही लाइन आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। जबकि रूट स्टेम में यहां देख रहे हैं मोनोकॉट में प्रोटो और मेटा को जोड़ते हैं तो ये वाई शेप दिखने लगता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोनोकॉट में मिला डाइकॉट में नहीं मिला, कौन कौन सा पॉइंट फिर बताओ देख के। मोनोकॉट में बंडल शीथ मिल रहा है, मोनोकॉट में क्या मिला, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक कवरिंग मिल रही है जिसको बंडल शीथ कहते हैं। ऐसा बंडल शीथ कहां नहीं मिल रहा है, ऐसा बंडल शीथ डाइकॉट के वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ नहीं मिल रहा है। दूसरा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अरेंजमेंट को जोड़ते ही ये वाई शेप में दिख रहा है, जबकि डाइकॉट के स्टेम में अगर प्रोटो और मेटाजाइलम को जोड़ते हैं तो ये लीनियरी एक रॉड एक लंबे लाइन के शेप में दिख रहा है, कहते हैं दे आर लीनियरी अरेंज्ड। तो ये दूसरा अंतर हो गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर, हमने कहा ये बड़ा सा भैया आया खेलने को, कहां पे पहुंचा खेलने को, फील्ड में पहुंचा, और बाकी सबको क्या कर दिया, तो सबको वो कह दिया किनारे चले जाओ और हम बीच में अकेले खेलेंगे। ये जो बड़ा भैया पहुंचा है बीच में, ये अपने नाक में एक रिंग लगाया हुआ, देखो डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं, प्रोटोजाइलम के अंदर एक कैविटी दिखा रहे हैं ना। और आजकल देखे होगे लड़कों को नाक में या कान में एक एक रिंग लगा के घूमता है, ये लड़का भी नाक में एक रिंग लगाया हुआ था। और ये रिंग कैसे लगाया था, बाय द लाइसिस, वो अपने नाक में छेद करवाया था। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, मतलब प्रोटोजाइलम के नीचे जो भी सेल था उसका ब्रेकिंग डाउन हो गया, वो टूट गया, ब्रेक डाउन कर गया। किसके नीचे, प्रोटोजाइलम के नीचे, प्रोटोजाइलम के नीचे का सेल ब्रेक कर गया, ब्रेकिंग को कहते हैं लाइसिस। और एक कैविटी बना, और जेनस का मतलब होता है ओरिजिन। इस कैविटी की ओरिजिन कैसे हुई है, बाय टूटने से हुई है, इसीलिए इस कैविटी का नाम क्या रखा गया, लाइसी जेनस कैविटी। नाम कैसे याद होगा, समझ में आ गया ना, नाम पढ़ा कैसे पहले इस बात को समझो। लाइसी मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस मतलब टूटना, और जेनस मतलब ओरिजिन। और क्या बन गया, टूटने के बाद एक कैविटी बन गई, क्या बन गई, टूटने के बाद एक कैविटी बन गई, उस कैविटी को कहेंगे लाइसी जेनस कैविटी। अब ये नाम रटने की जरूरत नहीं है, क्यों बोले लाइसी जेनस, क्यों, कि दिस कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द सेल्स, सेल्स के टूटने से ये कैविटी बनी है, इसलिए इसका नाम रखे हैं लाइसी जेनस कैविटी। हम कहे लाइसी जेनस कैविटी किस में दिख रहा है, मोनोकॉट के स्टेम में दिख रहा है, ये डाइकॉट के स्टेम में नहीं दिख रहा है। मीनिंग बाय, हम अब ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें मोनोकॉट में दिख रही हैं जो डाइकॉट में नहीं दिख रही हैं। तो पहला आंसर तुम्हारा क्या होगा, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक कवरिंग जिसको कहते हैं बंडल शीथ, ये मोनोकॉट में दिख रहा है लेकिन डाइकॉट में ये एब्सेंट है। डाइकॉट और मोनोकॉट में फिर दूसरा अंतर देख रहे हैं, वैस्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, एक्स एक्स ये जाइलम है, ये छोटा जाइलम, ये मोटा जाइलम। मोटा जाइलम कहानी याद करो, याद करो, मोटा जाइलम मतलब मेटाजाइलम, छोटा जाइलम मतलब प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को जब जोड़ते हैं तो जो लाइन दिख रही है वो वाई शेप्ड है, जबकि मोनोकॉट के कंपैरिजन में जब डाइकॉट के प्रोटो और मेटाजाइलम को जोड़ते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो यहां पे कहेंगे दीज आर वाई शेप, और यहां पे कहेंगे दीज आर लीनियर और आई शेप्ड, या तो ये आई शेप्ड है या टर्म यूज कर सकते हैं लीनियर। और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए कि मोनोकॉट के स्टेम में क्या दिख रहा है, मोनोकॉट के स्टेम में प्रोटोजाइलम के नीचे के सेल्स का ब्रेकडाउन हो गया, और इस ब्रेकडाउन के बाद एक कैविटी बन गई,
चूंकि टूटने से ये कैविटी बनी है इसलिए नाम रखे हैं लाइसी, मतलब लाइसिस शब्द आया। लाइसिस शब्द का मतलब होता है टूटना और जेनस शब्द का मतलब होता है ओरिजिन। इस कैविटी का ओरिजिन ब्रेकडाउन से बना है, ब्रेकडाउन के बाद हुआ है, हम टर्म यूज करेंगे लाइसी जेनस कैविटी। इस कैविटी को और एक नाम दिया गया, इसको साइजो जेनस भी बोला गया। साइजो मतलब होता है फॉल्स, जेनस मतलब ओरिजिन। चूंकि ये कैविटी फॉल्स कहला रही है इसीलिए, क्योंकि ये बाद में ओरिजिनेट हुआ है, शुरू शुरू में तुमको ये कैविटी नहीं दिख रही थी, बाद में ब्रेकडाउन से ये कैविटी बनी है, इसलिए इसको फॉल्स या साइजो जेनस कैविटी भी कहा गया। तो ये बेसिक डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं बिटवीन डायकॉट एंड मोनोकॉट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जब दोनों के फ्लोयम को देखा गया तो डायकॉट और मोनोकॉट के फ्लोयम में, डायकॉट के फ्लोयम में फ्लोयम पेरेन्काइमा दिख रहा था, फ्लोयम पेरेन्काइमा प्रेजेंट। लेकिन जब मोनोकॉट के में पेरेन्काइमा को देखा गया फ्लोयम में, हम लोग फ्लोयम के चार कंपोनेंट को जानते थे, कौन कौन से कंपोनेंट को जानते थे? पहले कंपोनेंट का नाम बोले थे फ्लोयम में सीव ट्यूब, दूसरे कंपोनेंट का नाम बताए थे कॉम्पेनियन सेल, तीसरे कंपोनेंट का नाम बताए थे फ्लोयम पेरेन्काइमा, और चौथे का नाम बताए थे फ्लोयम फाइबर। यहाँ पे हम लोग फ्लोयम पेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि एक डायकॉट के स्टेम के फ्लोयम में पेरेन्काइमा, फ्लोयम पेरेन्काइमा, फ्लोयम को बास्ट भी कहते हैं, मिलेगा। लेकिन जब मोनोकॉट की बात कर रहे थे तो कहे कि ये फ्लोयम पेरेन्काइमा मोनोकॉट के स्टेम में नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी डिस्कस करते चले गए। तो ये पूरा डिफरेंशिएशन हुआ डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट पे, मोनोकॉट के स्टेम पे और मोनोकॉट के लीफ में क्वेश्चन आता है। तो अभी जो हम लोग खत्म किए वो टॉपिक था डाइकॉट स्टेम, है ना। साथ साथ हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, और समाप्त करने के बाद, इसको फिनिश करने के बाद, हम लोग कॉन्सेंट्रेट किए डिफरेंशिएशन और कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। अब जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएशन एंड कंसेप्ट है कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ रूट, तो स्टेम और रूट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायकॉट एंड मोनोकॉट का लीफ। लेकिन उसके पहले हम लोग एक और पॉइंट देखेंगे, वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट, है ना। वैस्कुलर बंडल में हम लोग क्या क्या जान चुके, अब तक जान चुके कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, जब जाइलम और फ्लोयम एक ही रेडियस पे रहता हो क्या कहते हैं कंजॉइंट, और अलग अलग रेडियस पे रहता हो, इसके पहले वाले डायग्राम को निकालो और देखो रूट का डायग्राम क्या दिखाए थे, वो अलग अलग रेडियस पे था, नाम लिखे थे रेडियल वैस्कुलर बंडल। फिर हम लोग कहे थे यहाँ पे प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ दिख रहा था एंडार्च वैस्कुलर बंडल, और रूट में कैसा दिख रहा था, प्रोटोजाइलम सेंटर से दूर दिख रहा था, नाम बताए थे एग्जार्च वैस्कुलर बंडल। और अब कंज्वाइंट कोलेट्रल, ये सारे वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं, कंज्वाइंट किसको कहेंगे, कोलेट्रल किसको कहेंगे, कंज्वाइंट कोलेट्रल ओपन किसको कहेंगे, कोलेट्रल क्लोज किसको कहेंगे, इतने सारे वैस्कुलर बंडल के बाद अब सिर्फ दो वैस्कुलर बंडल जानना बाकी है, तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, और वो दोनों में बहुत इजीली उसको हम लोग जान पाएंगे। तो अब हम लोग उसको रिमूव करते हैं और वो दोनों वैस्कुलर बंडल भी बताते हैं जिसको हम लोगों को डिस्कशन करना है पार्ट ऑफ सिलेबस। जब हम लोग वैस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे थे तो अब हम लोग उसको कंक्लूड कर रहे हैं, और हमने कहाँ कहाँ पे पढ़ा, हमने रूट में देखा रेडियल वैस्कुलर बंडल, इसका मतलब बता चुके थे जाइलम और फ्लोयम रूट में अलग अलग रेडियस पे था, तब हमने इसको कहा रेडियल वैस्कुलर बंडल। अब एक क्वेश्चन आया मेडिकल में कि सबसे प्रिमिटिव टाइप का वैस्कुलर बंडल कौन सा है, तो रेडियल वैस्कुलर बंडल इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल जो है ये सबसे प्रिमिटिव वैस्कुलर बंडल है, और ये कहाँ मिलेगा, बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों ही रूट में मिलेगा। अब दूसरे हम लोग टर्म पे आते हैं कंजॉइंट, हमने क्या देखा, जब जाइलम और फ्लोयम एक ही रेडियस पे हो, स्टेम का जो डायग्राम हमने बनाया था और दिखाया था, तब तो हमने कहा इसको कि इसको कहते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। क्या नाम इसका, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में हमने देखा अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इट वाज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, तब उसका नाम रखे कंजॉइंट कोलैटरल एंड ओपन। और कहां मिला ये, डायकॉट स्टेम में, कहां मिला, डायकॉट के स्टेम में। लेकिन जब कैम्बियम नहीं मिला तो उसका नाम रखे कंजॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज, क्या नाम रखे उसका, कंजॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज, और ये कहां मिला था, मोनोकॉट के स्टेम में, ये हम लोग देख चुके थे।
अब एक यूनिक तरह का वैस्कुलर बंडल भी दिखा जिसका नाम दिया गया बाई मींस टू कोलैटरल। कोलैटरल जो पोजीशन था वो दो दो था। नॉर्मली फ्लोएम आउटसाइड होता है और जाइलम इनसाइड होता है। अब यहां पे दोनों साइड में फ्लोएम है और बीच में जाइलम है। इसका मतलब टर्म यूज किए बाई मींस टू, बाई दो, कोलैटरल लैटरली दो दो चीजें दोनों साइड में हैं, तो टर्म हो गया बाई कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। इसमें दोनों साइड में फ्लोएम है और बीच में एक अकेला जाइलम दिख रहा है। देयर इज सिंगल जाइलम एंड देयर आर टू फ्लोएम, और दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए दो दो कैम्बियम हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसको यहां से शुरू करते हैं। अगर इस डायग्राम को हम लोग ऐसे बना दें, इस डायग्राम को ऐसे बना दें, देखो ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं और वैस्कुलर बंडल दिखा रहे हैं, ये सेंटर पोर्शन है। तो देखो ये हो गया सेंटर, सेंटर से शुरू करेंगे, ये कहलाएगा आउटर फ्लोएम, ये फ्लोएम है, ये अंदर भी फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये है जाइलम बीच वाला, और ये हम लोग दिखा रहे हैं कैम्बियम। तो दो फ्लोएम है, एक और दो, एक जाइलम है और दो कैम्बियम है। तो हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, देयर आर टू फ्लोएम, यहां से शुरू करेंगे कंपेयर करना, आउटर फ्लोएम एंड इनर फ्लोएम। किसको आउटर किसको इनर कहेंगे समझ में आ गया, आउटर और इनर वर्ड यूज करते हैं सेंटर पे, हम पेन को रखे और सेंटर से कंपेयर करना शुरू किए। जो सेंटर से बाहर है ये पोर्शन कहला गया। फिर एक डायग्राम यहां बनाते हैं, अब तुम लोग बताना इसमें, हम यहां पे बना दिए एक स्टेज दो स्टेज, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है फ्लोएम, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया कैम्बियम। तो अब बताना पहले वाले फ्लोएम को क्या कहेंगे, इनर फ्लोएम, क्योंकि ये सेंटर की तरफ है। इस कैम्बियम को क्या बोलेंगे, इनर कैम्बियम। इस जाइलम में इनर और आउटर नहीं कहेंगे, एक ही जाइलम था तो कहेंगे सिर्फ जाइलम। फिर इसको बोलेंगे आउटर कैम्बियम और इसको कह देंगे आउटर फ्लोएम। तो जब दो फ्लोएम और दो कैम्बियम हो, ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग इसको बाई मींस टू, कोलैटरल पोजीशन पे दो दो चीजें दिखाई दे रही हैं। लैटरली एक जाइलम एक फ्लोएम होता था, अब यहां पे दो फ्लोएम मिल रहा है और दो कैम्बियम मिल रहा है, हम लोगों ने टर्म यूज किया बाई टू कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। और ये जिस कॉमनली फैमिली में मिलता है उस फैमिली का नाम है क्यूकरबिटेसी। हम लोग जानते हैं इसके बारे में, एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं, खीरा कद्दू कदीमा लौकी ये जितने सब्जियां हैं ना, ये सब इसी फैमिली का मेंबर है। फैमिली का नाम क्या है, क्यूकरबिटेसी, है ना, इसको हम लोग कुकुरबिटेसी भी कहते हैं, वी कैन प्रोनाउंस इट इन डिफरेंट वे, तो इसका नाम हो गया क्यूकरबिटेसी। अब हम लोग एक तीसरे तरह के वैस्कुलर बंडल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है या तो जाइलम अंदर हो सराउंडेड बाय फ्लोएम, या फ्लोएम अंदर हो सराउंडेड बाय जाइलम, तो दो शब्द हो गया, जाइलम में भी सराउंडेड बाय फ्लोएम और फ्लोएम में भी सराउंडेड बाय जाइलम, दोनों के लिए हम लोग देखते हैं टर्म क्या क्या है और इस टर्म को कैसे टेक्निकली याद रखेंगे। देखो पहला टर्म है, ये बहुत आसान है याद रखना, है ना, फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां से देखो तो इस साइड भी जाइलम है, इस साइड भी जाइलम है, फिर हम लोग यहां से देखना शुरू करते हैं तो बोथ साइड है ना, कौन है, इस फ्लोएम के बोथ साइड लेफ्ट और राइट और नॉर्थ और साउथ दोनों साइड कौन है, जाइलम है। एम्फी मतलब होता है बोथ, दोनों साइड, और जाइलम में क्या मिलता है, जाइलम का एक कंपोनेंट है वेसल्स, जाइलम के चार कंपोनेंट में ट्रैकिड वेसल्स जाइलम पेरिनकाइमा और जाइलम फाइबर है। तो वेसल्स किसका पार्ट है, जाइलम का है, और नाम से ही पता चल रहा है जाइलम का वेसल्स किधर है, एम्फी मतलब दोनों साइड में है, मतलब जाइलम दोनों साइड में, इसका मतलब क्या हो गया, बीच में कौन है, फ्लोएम है। तो टर्म याद हो गया, समझ में आ गया कैसे वर्ड को याद रखेंगे, एम्फी वेसल, और ये कहां दिखता है, तो लाइकोपोडियम और सेरेजेला है ना, ये हम लोग दिखा रहे हैं, ये दो एग्जाम्पल दिए, लाइकोपोडियम और सेरेजेला प्लांट में ये दिख रहा है जिसका नाम है एम्फी वेसल अरेंजमेंट। अब इसका उल्टा टर्म याद रखना है एम्फी क्रिबल, अब इसको उलट देना है,
अब अंदर कौन चला जाएगा? जाइलम, और बाहर कौन आ जाएगा? फ्लोएम। एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पहला कैसे याद रखे? टर्म याद रखे, एम्फी मतलब दोनों साइड, वेसल मतलब जाइलम का पार्ट। जब दोनों साइड जाइलम है मतलब बीच में फ्लोएम है और चारों तरफ जाइलम है, तो फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम, ये टर्म हो गया है एम्फी वेसल। अब इसका उल्टा टर्म याद रखना है, एम्फी क्रिबल। अब जाइलम अंदर है, दे आर सराउंडेड बाय फ्लोएम, और ये मिला दो कॉमन प्लांट, एक डैगर प्लांट, इसको यूका का प्लांट भी कहते हैं, दूसरा ड्रैगन प्लांट। बोथ आर गुड एग्जांपल ऑफ एम्फीक्रिबल। ये जो डायग्राम और हम लोग ये कॉन्सेप्शन समझा रहे हैं ना, ये तीनों ही मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्फीक्रिबल कैसा होगा अरेंजमेंट का टाइप पूछेगा, एम्फीवेसस का अरेंजमेंट का टाइप पूछ सकता है। किस में मिला जो एग्जांपल दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा कोई एग्जांपल नहीं आया है। अगर हम लोग 1997 की बात करें, 1996 की बात करें, इन समयों में ये सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। और इसके पहले बताए थे, ये भी बहुत बार पूछा है, बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल कहाँ मिलेगा? तो फैमिली का नाम तुम्हारे टिप पे रहना चाहिए, फैमिली क्यूकरबिडेसी में मिलेगा। तो ये हम लोग का आज टिश्यू सिस्टम भी खत्म हो गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमने खत्म किया, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमने खत्म किया, और आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ स्टेम को डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ रूट एंड एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो वेट फॉर आवर नेक्स्ट क्लास।